long coaxial insulated solenoids S1, S2 of equal length are wound one over the other as shown in the figure. Board में आया हुआ क्वेश्चन है ये. A steady current I flows through the inner solenoid S1 to the other end B, which is connected to outer solenoid S2, through which the same current I flow in the opposite direction, so as to come out at end A. If N1 and N2 are the number of turns per unit length, find the magnitude and direction of net magnetic field at a point on the axis and outside the combined system. एक तो ये कॉयल बनी, ठीक है, जिसकी रेडियस है कितनी, R1, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, N1, और फिर इसी के ऊपर एक दूसरी कॉयल बन गई, ये वाली, ये दूसरी कॉयल बन गई, ठीक, इसकी रेडियस आपके लिए कितनी गिवन है, R2, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है N2. तो हम क्या करें, पहले इन दोनों को हम सिंपली अलग अलग ड्रॉ कर लें. एक तो ये बनी आपकी कॉइल, ठीक है, करंट है इसमें I, रेडियस है इसकी R1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1, करेक्ट. तो अब इसमें डिसाइड कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, कहां से कहां होगी. देखिए ध्यान से, यहां अगर आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी बनेगी आपकी, इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर करंट की डायरेक्शन बनेगी आपकी ये क्लॉकवाइज, और यहां से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये बन जाएगा इसका नॉर्थ पोल, ठीक है. एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द सॉलिनॉइड होता है कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ की तरफ. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड. सॉलिनॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, सॉलिनॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं हम. अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस वेल इनसाइड द सॉलिनॉइड, कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, बी इक्वल्स म्यू नॉट एन वन आई, ठीक है. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेल इनसाइड द सॉलिनॉइड, करेक्ट. और मैंने इसको यहां लिखा है, ये वाला एंड है कितना ए, ये वाला एंड है कितना बी, तो ये ए और ये बी, डायरेक्शन इसकी क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की डायरेक्शन में, करेक्ट. अब उसके बाद एक जो इसके ऊपर वाली कॉइल है, इसे अलग ड्रॉ कर लीजिए आप, इसे बिल्कुल अलग ड्रॉ कर लीजिए. ये दूसरी कॉइल हुई है, ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, देखो, क्योंकि यहां से करंट की अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है, करेक्ट. ये इसके लिए भी ये एंड है बी, और इसके लिए भी एंड है क्या, ए. अब ध्यान से देखिए, यहां से करंट एंटर कर रही है, तो ये सिरा क्या बन जाएगा आपका, ये भी सिरा बन जाएगा आपका साउथ पोल, करेक्ट. और यहां डायरेक्शन उल्टी है, तो ये बनेगा कैसा, ये बनेगा आपका नॉर्थ पोल. और अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड कहां से कहां होगा, बी टू ए होगा. और अब ये कितना बन जाएगा आपका, बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 I, कहां से कहां, फ्रॉम बी टू ए, करेक्ट. अच्छा, करंट दोनों में सेम है, N1 और N2 का कुछ दे रखा है क्या रेशियो, देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया. लेकिन अब ये बात तो फिक्स है, ये तो बात तय है कि दोनों, दो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पर, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट बी वैक्टर इक्वल्स टू B1 वैक्टर माइनस B2 वैक्टर, और B2 वैक्टर माइनस B1 वेक्टर. सिंपल सी बात है, बी वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ बी बी वन और बी टू वेक्टर, ये आपका बन जाएगा,
करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, अब क्या बना आपका, बी इज इक्वल टू, दोनों को सबट्रैक्ट कर लीजिए, म्यू नॉट यहाँ आई कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, म्यू म्यू नॉट आई कॉमन आ गया, एन वन माइनस एन टू। भैया तो एन वन माइनस एन टू होगा या एन टू माइनस एन वन होगा, जो भी ग्रेटर हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बी वेक्टर इज अलोंग ए बी, कब होगा ए बी के अलोंग, अगर आपका ये वाला स्ट्रॉन्गर रहे और ये कम रहे, मतलब कब, व्हेन एन वन ग्रेटर देन एन टू, और बी वेक्टर इज अलोंग बी ए, कब, व्हेन एन टू ग्रेटर देन एन वन। ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया इसका, कितना आसान क्वेश्चन। एक पार्ट और भी तो पूछा इस क्वेश्चन में, आउटसाइड, तो आउटसाइड तो एक ही हो, चाहे जो दो हो चार हो, आउटसाइड जीरो रहता है, हम पहले भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो। नहीं करा प्रूव इस बात को, प्रूव किया है, प्रूव किया है, याद करो जब हमने एम्पियर सर्किट और लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड फाइंड किया था, वहां बाहर आउटसाइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो रखा था वहां हमने, वो इसलिए रखा था याद करो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड जीरो होता, बी की वैल्यू वहां जीरो थी। जीरो क्यों होता है सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड, जीरो क्यों होता है इसे डिस्कस कर लो। चलो देखो ध्यान से, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो लिया जाता है, एक्चुअली होता नहीं है लेकिन लिया जाता है जीरो, क्यों होता है देखो, क्यों लिया जाता है जीरो। अब ये आपकी एक सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये रही, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, दूसरी साइड साउथ पोल डेवलप हो गया। अब नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है वापस, साउथ पोल में जाती। नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, साउथ पोल में जाती है, और ये सारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक्चुअली तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है लगभग लगभग उस जैसा जैसा कि आपका मैग्नेटिक डायपोल या सिंपल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन फिर भी आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो ले लिया जाता है। एक्सिस पर जीरो नहीं है, यहाँ एक्सियल लाइन पर जीरो नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन पर जीरो ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है, एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेंड्स टू गेट सेपरेटेड लेटरली, एक दूसरे से लेटरली सेपरेट होने की कोशिश में रहती है, और बाहर सेपरेट होने के लिए पूरी दुनिया मिल रही है ना, पूरा स्पेस खुला मिल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इतनी ज्यादा सेपरेट हो जाती है, इतनी ज्यादा दूर दूर चली जाती है कि इफेक्टिवली आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है। एक्चुअल में जीरो नहीं होती लेकिन इफेक्टिवली उसे जीरो ले लिया करते हैं, ठीक है।